लेबनान में इसराइल की सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्ला के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए। इन हमलों में हिजबुल्ला के कमांडर इब्राहिम अकील की भी मौत का दावा किया गया। इब्राहिम अकील हिजबुल्ला का ऑपरेशन कमांडर था और माना जा रहा है कि उसकी मौत से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध और भड़क सकता है। लेबनान में इसराइल ने बरसाया बारूद, बारूदी बारिश से बर्बाद हुआ बेरूत। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से हिजबुल्लाह उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि इसराइल की सेना ने एक के बाद एक दो ताबड़तोड़ हमलों से उसकी कमर तोड़ दी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इन हमलों में जबरदस्त तबाही हुई है तो हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम अकील की भी मौत हो गई। इब्राहिम अकील वो कमांडर था जो इसराइल पर हमले के लिए हर प्लान को तैयार करता था और माना जा रहा है कि इब्राहिम की मौत इस युद्ध का रुख मोड़ सकती है क्योंकि अपने कमांडर की मौत से हिजबुल्लाह बौखला गया है और वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि इसराइल भी पूरी तरह से तैयार है और वो हिजबुल्लाह के किसी भी संभावित हमले को रोकने और पलटवार करने का फुल प्रूफ प्लान पहले ही तैयार कर चुका है। कौन था इब्राहिम अकील? इब्राहिम अकील फुआद शुक्र के बाद हिजबुल्लाह आर्म्ड फोर्सेस का दूसरा मेन कमांडर था। इमाद मुगनियह हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर इन चीफ था, उसे 2008 में इसराइल ने मार दिया। फुआद शुक्र ने उसकी जगह ले ली थी। जुलाई 2024 में उसे भी मार दिया गया, फिर इब्राहिम अकील ने उसकी जगह ली और एक दिन पहले किए गए हमलों में इसराइल ने इब्राहिम अकील को भी ढेर कर दिया। और यही वजह है कि इब्राहिम अकील की मौत को हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेबनान की बेका घाटी इलाके में जन्मा इब्राहिम अकील शिया राजनीतिक आंदोलन अमल में शामिल हो गया था और इसके बाद वो हिजबुल्लाह का संस्थापक सदस्य भी बना। अकील ने 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अकील इतना खतरनाक था कि अमेरिका ने उस पर फुआद शुक्र से भी ज्यादा इनाम रखा हुआ था। उधर इसराइल के हमलों में लेबनान में कई इमारतें तबाह हो गई। सुरक्षा दल अभी भी मलबे के नीचे शवों की तलाश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमले में 14 लोग मारे गए और 66 लोग घायल हुए हैं।